वाले पंडित को बिठाते हो पाँच पांच हजार वाले मुर्गी लड़ाते हो वहीं पर मुर्गा दीदी का क्या गलती था भैया अरे पत्रकार हो रोटी खाते हो कि को समझ के चाटते हो जो मोदी जी ने कहा था है? क्या गलती थी बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस समय नहीं पूछे कि ममता दीदी की क्या गलती है, है? कैसे गलती भैया ममता दीदी जाकर पैर से धक्का मार के पुल को गिरा दी थी आप बताओ आप समझिए यही बात तो कहना चाह रहे फिर आपने प्रधानमंत्री जी का बंगाल के चुनाव में चुनावी भाषण भी सुना होगा शायद प्रधानमंत्री जी को अगर थोड़ी सी भी लोकलज्जा होती तो प्रधानमंत्री जी मोरबी में पहुंचते और वहां के मृतकों को श्रद्धांजलि देते और ये जो हादसा ये एक तरह से प्रायोजित हादसा समझिए अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुल नहीं टूट रहा था आखिर कौन लोग इसका संचालन कर रहे और जो इसका अभी रिपेयरिंग हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग किया है जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कदम वहाँ पहुँचे और वह पूल का ध्वस्त हो जाना ये कौन सा एक्ट है भाई गॉड ऑफ एक्ट है आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी जो अब बंगाल चुनाव में ममता दीदी के चुनाव के समय आपने कहा भाई ओम बहनों प्रकृति ने यह दिखाया है कि बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल का भी यही हाल होगा तो यह चीज़ भगवान ने भी दिखाया है कि गुजरात चुनाव के बाद मैं ऐसा शब्द नहीं कह सकता मैं इतना महानीच वाला शब्द नहीं बोलता जिन कारणों से भी हुई है उन कारणों की जांच ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए जो उस वायर पुल का जो केयर ट्रैकर था उस पर मौत का केस दर्ज होना चाहिए यह सरासरी उसकी लापरवाही है दूसरी वहां के स्थानीय जो नगर निगम हैं जो वहां के डीएम हैं उन जो स्थानीय प्रशासन है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा टिकट उसने कैसे बेचे ये निश्चित तौर पर पूरा देश जानता है कि सत्ता पक्ष का करीबी ही टोल टैक्स तमाम तरह पार्किंग या जो भी इस तरीके की काम होती है उसमें सत्ता पक्ष के ही लोग होते हैं सबसे बड़ा सवाल है आज सरदार पटेल जी का और श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आज वह है हम उनको भी भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मोरबी के हादसे में जो मृतक हैं उनको भी भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि यह कमीशनखोरी कब तक चलती रहेगी जिसके कारण ये बार बार हादसे होते रहते हैं ये बात पूरा देश पूछता है भारत और ये संबंधित लोगों पर थूकता है भारत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी भाजपा सरकार के निकम में पन के कारण इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ इसकी जांच संसदीय समिति से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो मरे है उनको दो दो मिलेंगे। छे छे और कुछ कहेंगे आप अरे भाई सुन तो लो आप पैसों से किसी की जिंदगी आंकते हो क्या क्या उन बच्चों के पिता को वापिस करोगे क्या उन घर परिवारों में खुशियां वापिस कर दोगे आप वो वाली बात करते बेशर्मी की हद होती आप पत्रकारों ने भी पता नहीं क्या बंगाल चुनाव का वो मोदी जी का स्पीच नहीं सुना था जो मोदी जी लगातार कह रहे थे आप बताओ दो दिन पहले दिवाली के दिन उसका उद्घाटन हुआ है आखिर इतनी घटिया सामग्री कैसे यूज हुआ इसकी जांच होनी चाहिए आपने देखा होगा बारिश की चार बूंदों पर ही वहाँ का नेशनल हाईवे अंडरग्राउंड पार्किंग बन गया था आपने देखा होगा नर्मदा में जो नहर परियोजना बनी थी पानी के टेस्टिंग में ही ध्वस्त हो गया आपने देखा होगा बुंदेलखंड में क्या हुआ आपने तमाम मध्य प्रदेश में देखा होगा कि वहाँ क्या हुआ कर्नाटक में हो के आया कर्नाटक की पूरी सरकार कमीशन खोर की सरकार हर बात में कमीशन खाती है ये भाजपा के जहाँ जहाँ सत्ता है भाजपा के लोग इतने कमीशन ही ले, ले लेते हैं ठेकेदारों से संबंधित लोगों से कि वो सही सलामत नहीं बन पाता है इसका कोई हम नया उदाहरण नहीं दे रहे आपके सामने है कि बुंदेलखंड की एक्सप्रेस हाईवे आपने देखी होगी वही ताज एक्सप्रेस को भी देखा होगा आपने देखा होगा तमाम वो चीजें बनती जो अंग्रेजों के समय बनती वो नहीं गिरता है मोदी जी के सरकार में ही बनी हुई चीजें भाजपा की सरकार में बनी हुई चीजें वो नहीं चल पाती है इसका एकमात्र यह कारण है कि वो कमीशनखोरी नहीं मोदी जी के क्या गलती हो तो गुजरात सरकार ने करा ना ममता दीदी का क्या गलती था भैया अरे पत्रकार हो रोटी खाते हो कि लेटरिन को चमनपरा समझ के चाटते हो जो मोदी जी ने कहा था है? क्या गलती थी बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस समय आप नहीं पूछे कि ममता दीदी की क्या गलती है, है? ममता दीदी की गलती गलती थी नहीं हैं कैसे गलती गलती भैया ममता दीदी जाकर पैर से धक्का मार के पुल को गिरा दी थी आप बताओ आप समझिए यही बात तो कहना चाह रहे मैंने तो यह कहा नहीं कि मोदी जी ने लात मार के गिरा दी या भैंस को जानबूझ के बंदे मातरम से ट्रेन से टकरवा दिया मैंने तो कहा नहीं यह जांच का विषय है देश में यह चीज़ तय होना चाहिए हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है जो चीज़ का निर्माण हुआ है रिपेयरिंग हुआ है उसकी भी वारंटी मिलती है तो क्यों नहीं देश में जब कोई सड़क बनती है कोई पुल बनता है कोई भवन बनता है तो उसकी भी गारंटी आपने बी में देखा होगा प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद बी के अस्पताल का छत गिर गया था क्या उसकी गारंटी नहीं होनी चाहिए क्या उसकी गारंटी नहीं होनी चाहिए जो नर्मदा पर नहर परियोजना बना था क्या उसकी कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए निश्चित तौर पर घटिया सामग्री और कमीशन खोरी के कारण इस तरीके के वारदात होते हैं लेकिन जो एक भी क्या हुआ सारा कमीशन खोरी आ गया तो देखिए सच जो है ये ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देता है समझिए इन्होंने जो दूसरों को कहा आज मोदी जी के सामने में है तो ये वहां के सांसद को बताना चाहिए वहां की गुजरात की सरकार को बताना चाहिए गुजरात के नगर निगम के अधिकारियों को जाना चाहिए और जो टिकट काटने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखता है लेकिन पंकज जी जो गुजरात बगैर संबंधता रखे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल ही नहीं सकता लेकिन पंकज जी गुजरात मॉडल कहा जाता है पूरे देश में दुनिया में यहाँ के पुल गिरेंगे तो फिर और देश में क्या होगा बाकी हिस्से में किसने कहा गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल अहमदाबाद में दीवार बनी थी जितना अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ वो गुजरात मॉडल है गुजरात मॉडल वो है जो गुजरात का राजधानी अहमदाबाद करुणावती कहलाता था करुनावती हो गया आपने गुजरात में देखा होगा जहरीली शराब से कई लोगों की आंखें छकी रोशनी चली गई कई की किरणियां फेल हो गई कई बच्चे यतीम हो गए कई माँ बहनें विधवा हो गई तो ये गुजरात मॉडल है आपने गुजरात मॉडल देखा होगा बलात्कारियों के सम्मान में फूलमाला चढ़ाया जाता है क्या ये गुजरात मॉडल है नहीं आप गुजरात को बदनाम करना बंद कीजिए वो गुजरात गांधी और पटेल का गुजरात है जिस गुजरात का शौर्य गाथा पूरा विश्व गाता है उस गुजरात को जानबूझकर ये दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी बदनाम कर रहे हैं लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहते हैं कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है बड़े चर्चे हैं गुजरात के अब राष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर हैं मैं क्या बोलूं? अब आप भी अगर रबर स्टम्प हो जाओ तो कुछ भी बोल जाओ अरे भैया गुजरात में नमक होता है तो नमक खाता है बिहार में पंजाब में गेहूँ होता है तो गेहूँ खाता है जहाँ बंगाल में इस अदर स्टेट में आंध्रा में चावल होता है चावल खाता है जहाँ कपास होगा वहाँ का कपड़ा पहनेगा जहाँ चीनी होता है तो वहाँ का चीनी खाएगा ये कोई नई बात थोड़ा ना है बरगलाने वाली बात है समझिए ये सब ये सब चीजें नहीं होती है सवाल होना चाहिए कि गुजरात में जिस गुजरात में शराबबंदी है उसमें बार बार दारू कैसे बिक रहा है और बार बार उसी मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का रैकेट का पकड़ा जाना गुजरात के कई इलाकों में पकड़ा जाना इस बात पर चर्चा कीजिए ना इस बात पर चर्चा कीजिए कि वहाँ के जो मंदिर थे जिस मंदिर में 2000 के नोट जाली पकड़े गए मशीन छापने की पकड़ी गई उसकी बात कीजिए ना उसी गुजरात में जहाँ कुछ दिन पहले कई जाली नोट पकड़े गए ओरिजिनल नोट पकड़े गए अवैध रूप से अवैध कालाधन पकड़ा गया उस पर नहीं चर्चा कह रहे तो उस पर चर्चा कीजिए ना तो वो चर्चा करने की आपकी हैसियत नहीं है आप उस पर डिबेट नहीं चलाओगे आप उस पर लोगों से इंटरव्यू नहीं लोगे तो क्या करोगे भाई बताओ ले तो रहे हैं आप क्या ले रहे आपने गुजरात में लोगों से जाके पूछा आप तो टीवी में बैठ कर दिखा दे रहे हो अपने ही ऑडियंस बैठ रहे हो पाँच पाँच हजार वाले पंडित को बिठाते हो पाँच पाँच हजार वाले मौलाना को बिठाते हो अब मुर्गी लड़ाते हो वहीं पर मुर्गा लड़ाते हो है? चोच में चोच लड़ाते हो